हेलो गाइस, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा यादव होम व्लॉगर चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये आप लोगों के साथ कैप्सिकम की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो बताइएगा ज़रूर कि ये सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने शिमला मिर्च लिए है, आलू हैं बड़े साइज़ों में काटे हैं, और टमाटर ले रखा है, करीब दो बड़े बड़े टमाटर हैं उनको काट लिया, एक प्याज है। तो और मसालों में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला और गरम मसाला लिया है। और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं, और नमक स्वाद अनुसार लेना है आपको। और फिर यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया था, तो उसमें अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी पहले। और प्याज को फ्राई करने के बाद फिर मैंने जो आलू लिए थे, तो पहले मैं उन आलू को इसमें अच्छे से भूनूँगी ताकि मेरे आलू भी इसमें हल्के से फ्राई हो जाए प्याज में ही। और उसके बाद में शिमला मिर्च डालूँगी, क्योंकि साथ में डाल दूँगी तो शिमला मिर्च जल्दी गल जाएगी, तो इसलिए मैंने आलू को पहले फ्राई करूँगी अच्छे से। और फिर जब मेरे आलू फ्राई हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें शिमला मिर्च भी डाल के थोड़ी देर इसको भी भून लूँगी अच्छे से, फ्राई कर लूँगी हल्का सा। और अब मेरे शिमला मिर्च भी हो गए हैं, तो जो मैंने मसाले लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मसालों को ऐड करने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर भूनूंगी, करीब 5 मिनट तक। और फिर उसके बाद जब मेरे ये मसाले भून जाएंगे, तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। और मैं अब टमाटर ऐड कर दूँगी क्योंकि मेरे आलू भी पक ही गए हैं मेरे फ्राई करते करते अच्छे से, और शिमला मिर्च भी मेरी पक गई है, तो टमाटर को भी मैं अब इसमें भून लूँगी। फिर मैं इसमें नमक डालकर इसे ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी, और फिर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो लास्ट में मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी, तो धनिया से सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो टेस्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो बस ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो बस मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।